अरे गाइस ना बच्चों, वेलकम बैक। क्लास नाइन्थ यूनिट टू, यानी हम कर रहे हैं बहुपद। और बहुपद करते हैं हम पहुंच गए 2.5। और 2.5 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, राइट। वन मोर वीडियो, यानी एक और वीडियो के साथ आपका ये यूनिट पूरा टू द सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से होना है। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट। तो आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्स क्यू वाई की क्यू प्लस में जेड की माइनस एक्स वाई है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके, यानी राइट हैंड साइड में आपके पास ये है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको क्या कहलाना है, ये वाला हिस्सा लेकर आएंगे हम। तो इससे क्या हो, तो सत्यापित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड की आपके पास 1/2 एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, और आपके पास देखो एक्स माइनस में वाई। मैंने एक बार मैं रकम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए, ठीक है। और प्लस में होगा जेड माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमें मिलना चाहिए ये वाला पोर्शन। तो देखो 1/2 एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो सॉल्व करेंगे तो ए की टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2xy हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में 2yz हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये जेड है आपके पास, ये जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2zx हो जाएगा, राइट। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि आप देखो x और एक्स स्क्वायर दो बार है, वो प्लस में, तो 2x² हो जाएगा। इसी तरीके से जो y और y है दो बार है, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जेड है, ये भी दो बार है, तो 2z का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2xy तो पहले से ही है, 2yz भी है, और यहाँ पर 2zx भी है, राइट। अच्छा यहाँ पर ये माइनस का ही, क्योंकि तीनों ये माइनस का माइनस का ही, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हर जगह दो 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 दो, सारे टर्म जो है दो है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, राइट। दो मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो दो मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, चलो ये बड़ा ब्रैकेट था तो मैंने इसको वैसे लगा दिया। देखो ये गुना में है और ये बटे में कट जाएगा। तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो ये आप साफ देख पा रहे हो किसकी आइडेंटिटीज़ है ये, यस ये इसी की आइडेंटिटीज़ है जो आप यहाँ ऊपर देख रहे हो, जो आपको प्रूव करना है, यानी एक्स की क्यू प्लस में वाई की क्यू प्लस में जेड की क्यू माइनस में 3xyz, ठीक है ना। ये इसकी आइडेंटिटीज़ है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपके पास राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया जो आपको सत्यापित करना था क्वेश्चन द्वारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चों को पहले तो आइडिया नहीं लगता है कि मुझे करना किस तरीके से, कैसे स्टार्टअप देना है, क्या करना है, लेकिन आप थोड़ा सा आप इसको समझ लिया होगा आपने, और जो जिसको ज़्यादा बड़ा फार्मूला इसमें लगाया नहीं है। अगर आपको इस तरीके से आपको आप थोड़ा सा भी अगर आप फार्मूले को याद रखेंगे और पूरा आइडेंटिटीज को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है, इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो यहाँ पर कहता है यदि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड जीरो हो तो दर्शाना है आपको, ये आपको दर्शाना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दर्शाने वाला था, ये क्वेश्चन भी आपके पास दर्शाने वाला ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दर्शाते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ दर्शाने के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास देखो यहाँ पर एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसकी मदद से आपको ये लाना है एक्स की क्यू प्लस में वाई की प्लस जेड की इक्वल टू 3xyz लाना है। मैं क्या करूँगा, देखो एक्स प्लस में वाई, तो ये जेड इसको उधर ले आया माइनस का जेड, समीकरण नंबर एक इसको मान लिया, लिखना है दोनों और क्या करने पर, घन करने। देखो घन में क्यों कर रहा हूँ, वर्ग क्यों नहीं करते, घन इसलिए कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है, क्यों किसका सिंबल है, घन का सिंबल है, तो घन करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x प्लस में y की q और ये हो जाएगा माइनस में z की q, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो x की q प्लस में y की q, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा 3xy, और ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस में y, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे अगर आप क्या देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में z की q आ जाएगा, जो z को तीन बार गुना करेंगे तो z गुना z की q हो जाएगा, और तीन बार माइनस होगा तो वापस क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हम यहाँ क्या देखते हैं, और क्या देख रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई को हटा कर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड लिख सकते हैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या, माइनस का जेड। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे माइनस का जेड लिख दिया,
ठीक है जी। तो और यहाँ लिख सकते हो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इसको हटा के ये लिखते हैं, यही ट्रिक पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है सवाल का, कि ये बच्चा भूल जाता है कि मैं यहाँ पे ये इसको बदलना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो इसको जब बदलते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखो उसे गुणा किया तो थ्री एक्स, ये माइनस करे प्लस का माइनस हो जाएगा, 3xyz आ जाएगा आपके पास, और माइनस में जेड की क्यूब जाएगा, ठीक है। जेड की क्यूब आप इधर लियो, जेड की क्यूब आप क्या करो इधर की तरफ ले आओ, माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसको आप क्या करो उधर की तरफ ले जाओ, माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो जो आपको प्रूफ करना था एक्स क्यूब वाई की क्यूब जेड की इक्वल टू 3xyz, और एक्स क्यूब वाई की थ्री जेड की इक्वल टू 3xyz ये आ चुका, यानी हमारा सवाल हो चुका है यहाँ पर प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ट्रिकी था है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, और इसके कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, यस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आया, और होपफुली आया भी होगा, क्योंकि मैंने इसमें आसान तरीके से आपको आइडेंटिटीज के साथ आपको मैंने इसको समझाया, तो क्या करना है अपने भाई बहन अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल के साथ नए तो क्या करना है, इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने हो आप चैनल को बार बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहना। क्यों? क्योंकि 6ठी से लेकर 12वीं तक का पूरा एनसीईआरटी का सवाल आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर इस चैनल पे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।